हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। लेट अडल्टहुड के टॉपिक के बाद आज आपका जो यूनिट फोर्थ है उसमें ओल्ड एज के बारे में हम बात करेंगे कि वृद्धावस्था क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या है। देखिए, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो अडल्टहुड होती है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। देन उसके बाद जो अवस्था आती है वो वृद्धावस्था आती है, यानी कि 60 अबव की जो एज होती है वो वृद्धावस्था मानी जाती है। वृद्धावस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें दैहिक और मानसिक शक्तियों का ह्रास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि शारीरिक और मानसिक शक्ति, दैहिक शक्ति किसे बोलते हैं, शारीरिक शक्तियों का ह्रास प्रारंभ हो जाता है। जीवन प्रसार की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था ही कहलाती है। वृद्धावस्था 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, और वृद्धावस्था का जो क्षणिक जो दीर्घकालिक होना, क्षणिक क्रिया, जो गलती से गलती अल्पिया मिसप्रिंट हो गया है इसको सही कर लेना, क्षणिक क्रिया, ठीक है, क्षणिक क्रिया दीर्घकालिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना जीवित रहता है। चरण की प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है, यानी कि देखिए 60 वर्ष की आयु, जब 60 से अबोव के बाद जो अवस्था होती है उसमें जो व्यक्ति की चरण प्रक्रिया है वो सबकी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि लगाया जाए कि शारीरिक परिवर्तन जो मध्य वयस्क अवस्था से प्रारंभ हो जाते हैं और उत्तर प्रौढ़ अवस्था में आकर जो शारीरिक समस्याएं होती हैं, शारीरिक ह्रास होता है, मानसिक शक्तियों का ह्रास होता है, तो उन शक्तियों के ह्रास या उन क्षमताओं के आधार पर जो वृद्धावस्था की जो प्रक्रिया होती है चरण की, वो भी हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है। यानी कि एक तरह से व्यक्तिगत भिन्नता ही मानते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य वृद्धावस्था में वो जीर्ण शीर्ण हो जाए या काफ़ी दैहिक और मानसिक शक्ति ह्रास हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि आज भी, देखिए आज के इस युग में एक समय था कि जब जो स्त्री पुरुष थे जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने में, निभाने में वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि पहले के समय में संयुक्त परिवार होते थे, अपने पे जो स्त्रियां हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी महिलाएं जो हैं, और जो है संयुक्त परिवार में काम का प्रेशर होने के कारण ऐसा होता था कि अपने बारे में सोच नहीं पाते थे या अपने लिए जो है समय नहीं निकाल पाते थे। लेकिन आज का युग चेंज हो गया है। आज के समय में हर व्यक्ति जो है वो अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान देता है। अपने जैसे कि आजकल देखिए योगा है, प्राणायाम है, व्यायाम है, शारीरिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं उनमें भी काफ़ी जो शक्तियों का ह्रास होता है उसका रेशियो भी कम माना गया है। यानी कि आज अब अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, देखिए मैंने आपको हर एक बार बताया कि अगर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे तो वो वृद्धावस्था में आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे बच सकता है। यानी कि देखिए जीवन 80 वर्ष भी जी सकता है इंसान, व्यक्ति की आयु हो सकती है 90 अबव भी हो सकती है, लेकिन बात ये होती है कि वो स्वस्थ जिए, जितना भी जिए वो स्वस्थ जिए। तो आज के समय में अपने स्वास्थ्य से संबंधी जानकारियाँ इतना अवेयर उनको किया जा रहा है, योगा प्राणायाम पे ध्यान दिया जा रहा है, व्यायाम पे ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक वृद्धावस्था में आने वाले उन शारीरिक और मानसिक शक्तियों के हाथ से बचा जा सकता है। ठीक है, 60% ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी इसकी औसत आयु 60 वर्ष की मानी जाती है। इस अवस्था में आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की शक्ति, उसकी स्फूर्ति, काम करने की गति और समझ भी कम हो जाती है। ठीक है, मानसिक, क्योंकि मानसिक शक्ति का ह्रास होता है तो उसकी समझ और उसकी काम करने की जो सूझबूझ होती है वो भी कम हो जाती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि शारीरिक परिवर्तन होने के कारण जो ओल्ड वृद्धावस्था में आने वाली मानसिक बौद्धिक क्षमता भी कम हो जाती है और कार्य करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, स्फूर्ति उसके अंदर कम हो जाती है। ठीक है, वृद्धावस्था के उपविभाजन की अगर हम बात करें तो संपूर्ण वृद्धावस्था को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जॉन डब्ल्यू सेंट्रॉक 1997 में उन्होंने तीन कैटेगरी बताई थी वृद्धावस्था की। फर्स्ट वन युवा वृद्ध, यानी कि द यंग ओल्ड, जो 60 to 75 ईयर्स तक थी। देन सेकेंड वन वृद्ध वृद्ध, यानी कि द ओल्ड ओल्ड 75 to 85 ईयर्स। देन थर्ड वन वृद्धस्थ वृद्ध की द ओल्डेस्ट
ओल्ड 85 से अबोव जो माने जाते हैं वो द ओल्डेस्ट ओल्ड माने जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी मानी गई हैं जॉन डब्ल्यू सेंट्रॉक के अनुसार। वृद्धावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करें तो वृद्धावस्था एक खास की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें कई शारीरिक और मानसिक खास होते हैं। शारीरिक जो अंग हैं, शारीरिक जो क्रियाशीलता है, जो इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी के, जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, उनमें सभी में कुछ ना कुछ जरन प्रक्रिया, कुछ खास प्रक्रिया होती है। वृद्धावस्था में व्यक्तिक भिन्नता होती है। देखिए, व्यक्तिक भिन्नता यानी कि हर एक व्यक्ति का जो वृद्धावस्था में होने वाले ह्रास की प्रक्रिया है, जनन की प्रक्रिया है, वो सब में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि 60 अबव होते ही हर एक व्यक्ति के सिम्टम्स लक्षण एक से हो जाएं, कि सबको अगर चलने फिरने में परेशानी है तो हर एक व्यक्ति को हो जाए। इसमें व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, और ये व्यक्तिक भिन्नता जो होती है, या कह लीजिए जो परिवर्तन की या ह्रास की प्रक्रिया है, वो सब जो पहले की अवस्थाएं होती है, मध्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तनों की दर है उसके अकॉर्डिंग होती है। यानी कि कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि आजकल देखिए, आपने बच्चों नोटिस किया होगा कि जैसे कि जो नवविवाहिता होती हैं या युवक होते हैं, उनको यानी कि यंग एडल्टहुड की बात करें तो उनको कुछ ना कुछ समस्याएं घिरी रहती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आज जब भी जैसे कि जो स्त्रियां हैं जब गर्भवती होती हैं तो क्या है कि उनका अधिकतर टाइम पूरा उनको बेड रेस्ट बता दिया जाता है ना। कुछ प्रॉब्लम है, क्यों है, स्वास्थ्य संबंधी है, कुछ हार्मोन्स प्रॉब्लम है, कुछ उनके जो काम करने की जो शारीरिक विकास है, जो उनका किशोरावस्था और बाल्यावस्था में उनका इफेक्ट हुआ होगा, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये एक को रिलेटेड होती हैं आपस में। तो वो जो चीज़ें हैं यंग एडल्टहुड में, तो काफ़ी हद तक उनकी जो शारीरिक क्षमता है, उनका मानसिक क्षमता का ह्रास तभी से जल्दी से शुरू हो जाता है, यानी कि यंग एडल्टहुड से ही। जबकि पुराने समय में जो महिलाएं होती थी वो उनकी प्रजनन क्षमता, उनकी प्रजनन शक्ति इतनी मजबूत होती थी कि वो देखिए 8 और 10 बच्चों को जन्म देना, ठीक है, पहले के समय की जो महिलाएं होती थी, और ना कोई उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी, और बहुत सारा काम भी घर का होता था। पहले कोई मेड तो थी नहीं, ना कोई पहले इतने जो हमारे ऐसे जो वो होते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन, ऐसे कोई इक्विपमेंट्स थे कि जो हमारे जो महिलाओं के काम को इजी बनाते थे, ठीक है, कोई ऐसा कन्वेंस नहीं था। आजकल तो कन्वेंस इतने हैं, ई रिक्शा है, स्कूटी है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक तरह से जो है शारीरिक क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो जो व्यक्तिक भिन्नता होती है वृद्धावस्था में आते आते, वो सब पहले की अवस्था में हुए शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तनों का जो होता है वो प्रभाव होता है, ठीक है। वृद्धावस्था और समायोजन की अवस्था, वृद्धावस्था समायोजन की अवस्था है, सॉरी बच्चों ये और बीच में से काट देना, वृद्धावस्था समायोजन की अवस्था मानी गई है। देखिए, समायोजन की अवस्था अगर बात करें तो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों कि समायोजन की अवस्था जो है वो यंग एडल्टहुड भी मानी जाती है, मिडिल एडल्टहुड भी मानी जाती है, लेट एडल्टहुड भी मानी जाती है, और वृद्धावस्था भी। तो समायोजन तो हर अवस्था में करने को होता है, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है समायोजन की जो सिक्वेंस से चलती रहती है अपनी हर एक अवस्था पर आने पर। जो हर एक कोई स्त्री पुरुष है या कोई भी वयस्क व्यक्ति है उसको करनी पड़ती है, समायोजन करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी हद तक जो है वृद्धावस्था में जो शारीरिक संबंधी परेशानियां होती हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां होती हैं, उनसे समायोजन करने की अवस्था वृद्धावस्था मानी जाती है। देन नेक्स्ट है वृद्धावस्था भूमिका परिवर्तन की अवस्था भी मानी जाती है, यानी कि भूमिका परिवर्तन कैसे, कि इस एज तक आते आते जो महिलाएं और पुरुष हैं उनके बच्चों की शादी हो जाती है, ठीक है, और वो क्या है, दादा दादी या नाना नानी की भूमिका उनको स्वीकार करते हैं। तो भूमिका परिवर्तन यही है कि जहाँ वो जिम्मेदारियाँ जब यंग एडल्टहुड में जो संभाल रहे थे अपने सारे समायोजन की प्रक्रिया जो उनके जीवन में थी, समस्याओं बाहुल्य की समस्या जो अवस्था थी, अब वो एक समायोजन की अवस्था मानी जाती है। देन नेक्स्ट वृद्धावस्था के प्रति सामाजिक अभिक्रिया होती है। देखिए, वृद्धावस्था के प्रति सामाजिक अभिक्रिया यानी कि जो एक सामाजिक अभिक्रिया की कई तरह के
जो चेंजेस आते हैं वृद्धावस्था में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो एक तरह से सामाजिक अभिक्रिया भी इसको माना जाता है कि वृद्धावस्था के प्रति एक सामाजिक अभिक्रिया की सामाजिक दृष्टिकोण क्या है इस अवस्था के प्रति। कि अधिकतर ये सोचा जाता है कि देखिए वृद्ध लोग भी सोचते हैं, उनके अंदर बहुत सारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं कि हाँ अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारी किसी को क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आते हैं। तो एक तरह से जो है सामाजिक अभिक्रिया से यही अर्थ हुआ बच्चों कि अपने लिए बहुत सारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके मन में आ जाते हैं, और जो उनके साथ रहने वाले सदस्य हैं या उनके साथ आस पड़ोस हैं, जो उनका समाज है, उनके रिश्तेदार संबंधी हैं, उनके बीच में भी थोड़ा सा जो है अभिक्रिया, जो सामाजिक अभिक्रिया होती है उसकी अभिव्यक्ति होने लगती है कि वो सोचते हैं कि अब हमारा जो है ज़्यादा सामाजिक संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। द नेक्स्ट कि वृद्धावस्था एक दुखदायी अवस्था भी मानी जाती है। देखिए जब शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी, शारीरिक ह्रास होगा, मानसिक ह्रास होगा, जब वो दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं वृद्ध, तो ऐसे में क्या होता है, दुखदायी अवस्था इसको माना जाता है। लेकिन बच्चों ये नहीं है कि सभी जो वृद्धावस्था सभी की दुखदायी अवस्था होती है। मैंने आपको बताया कि जो लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं उनके लिए ये एक ऐसी अवस्था नहीं होती है, केवल कुछ स्वाभाविक परिवर्तनों के कारण थोड़ी तकलीफ समस्याएं जरूर आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बहुत बड़ी दुखदायी अवस्था माना जाता है। ठीक है, अगर ध्यान रखें स्वास्थ्य का और सभी तरह के समायोजन और समस्याओं का सामना करें तो एक तरह से इसको हम सुखदायी अवस्था भी बना सकते हैं। तो ओके गर्ल्स, आज के लेक्चर में इतनी ही बात करूंगी, देन नेक्स्ट टॉपिक में वृद्धावस्था की विशेषताओं को डिटेल में आपके सामने लेके आऊंगी। ओके गर्ल्स, थैंक यू।